जी डोगरा यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। बदायूं में 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहीद के गांव का विकास है अधूरा, दिखेंगे रिपोर्ट। बिसौली तहसील क्षेत्र के वजीरगंज ब्लॉक के गांव शहीद हरि ओम नगर इटोवा में मात्र 31 साल की उम्र में बदायूं के लाल ने देश के सम्मान के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे डाली। इस कारगिल दिवस में 527 सैनिकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस देश का मान बढ़ाया। उन्हीं में से एक शहीद हरि ओम, जिन्होंने 1 जुलाई 1999 को दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। शहीद के गांव का ऐसा हाल है जैसे ज्यादातर गांव का है। ये विकास की लहर नहीं पहुंची है और यहां के बेटे ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। इतना ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। गांव के प्राथमिक विद्यालय का हाल इतना बुरा है कि गंदगी से शौचालय भरे हुए हैं, बारिश का पानी वहां पर भर जाता है, साथ ही साथ कमरे सीलन से भरे हुए हैं। शिक्षा के नाम पर सिर्फ होती है खाना पूर्ति। हरिओम इटावर नगर है ये, तो यहाँ इस गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ सबसे पहली शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। और क्या क्या समस्याएं हैं? बिजली की व्यवस्था बढ़िया ना है, सड़कें वगैरह जर्जर हो रही हैं। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? काफ़ी शिकायत की, हर समय कोई ना कोई अधिकारी आते हैं, शिकायत करते हैं, लिखित में शिकायत करते हैं। लेकिन शहीद का गांव होने के नाते कोई सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं हो पाती। मैं ठाकुर वेदपाल सिंह है, शहीद का भतीजा हूँ और यहीं निवास करता हूँ। कौन सा गाँव है? शहीद हरिओम नगर इटौवा। तो क्या शहीद के इस गांव में व्यवस्थाएं सब ठीक हैं? शहीद के गांव में व्यवस्थाएं, जब ये शहीद हुए थे तो यहां पे आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। तत्कालीन डीएम राजारामा उपाध्याय ने यहां पे सारी व्यवस्थाएं की। उसके बाद से 2011 में यहां पे राजनाथ सिंह जी भी आए थे, बहुत सारी घोषणाएं कर गए। जो शहीद हुए थे उसी साल जो सारी व्यवस्थाएँ हुए, जैसे सीसी है, बिजली है, वही व्यवस्थाएँ यहाँ बनी हैं। उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं हुई। पिछली बार सरकार चेंज हुई थी तो यहाँ बहुत सारे नेता आते थे, कार्यक्रम करते थे वोट मांगने के लिए, वो भी शहीद को भूल गए। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, मात्र एक ऐसो आए थे यहाँ पे, वो भी लोगों को पता करने पर कहने पर, और वैसे यहाँ कोई नहीं आता। अगर खबर करो तो शहीद को भूल गए हैं। तो यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो शहीद को होनी चाहिए, जो कि आज पूरा देश शहीद के नाम पर 26 जुलाई के नाम पर शहीद दिवस मना रहा है, ऐसी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो अब आप शासन से क्या शिकायत करते हैं? शासन से ये कहते हैं कि जैसे हमारे चाचा शहीद हुए थे, उन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उसी प्रकार उनकी जन्मस्थली को कम से कम इस प्रकार से उनको क्या कहते हैं विकसित किया जाए, जो कि पूरे देश में नाम कर सके। बदायूं में एकमात्र ऐसे शहीद हैं वीर शहीद हरिओम जी, जो अब शहीद हुए थे, मात्र एक वीर हैं यहाँ पर जो कि कारगिल में शहीद हुए थे। 10 नाना पैरा कमांडो में वो कार्यरत थे, उस समय छुट्टी पे आए थे, जैसे जहाँ पे कारगिल में युद्ध चालू हुआ था यहाँ छुट्टी काट के गए थे। उनकी जब यहाँ पे बॉडी आई थी तो बहुत सारी घोषणाएं होती, इंटरकालिक की घोषणाएं होती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की होती, कह रहे ऐसा गांव बनाएंगे कि कोई विकसित गांव होगा। लेकिन प्रधान होने के नाते, उनके छोटे भाई प्रधान, उन्होंने बार बार लोगों से शिकायत की, ओडीएफ को कराने की शिकायत की, लेकिन अधिकारी सुनते ही नहीं। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजी डोगरा के साथ। यूएफटी न्यूज 24 सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।